इसका मजीद जिक्र सुलेमान की गजल गजलात के 5वें बाब की 16वीं आयत में है। लिखा है, उसका मुंह अज़बस शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। अगर आप जरा गौर करें, कुल्ली मोहम्मदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल करें इम मोहम्मद इम, तो उनके नाम तक का जिक्र किताबे मुकद्दस में मौजूद है। मगर इसका तर्जमा करते हुए उसका मुंह अज़बस शीरी है, मोहम्मदीम का तर्जमा सरापा इश्क अंगेज किया है। जाकर नायक सियाक व सबाक से हटकर बहुत सी बातें लेता है और उनका गलत तर्जमा करते हुए अपने नुक्ता नजर के सामने आता है। और अगर आप यहाँ उस लफ्ज पर गौर करें जो किताबे मुकद्दस के असल सियाक व सबाक में आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गज़ल व गज़लात की किताब के 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, उसका मुंह अज़बस शीरीन है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। जब आप सारे सियाक व सबाक को देखते हैं तो यह हजूर पाक की आमद के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। इससे बहुत परे यहाँ एक मर्द और औरत के ताल्लुक की बात हो रही है। यहाँ हजरत मोहम्मद का जिक्र नहीं है। और आप जरा देखें कि जाकर नायक ने क्या किया, उसने इस लफ्ज इश्क अंगेज को लिया और उसे उस आवाज के साथ बदल दिया जो इब्रानी जुबान में है और कहा कि ये हजूर अकरम है। लेकिन वहाँ मोहम्मद का लफ्ज दुरुस्त नहीं बैठता। वहाँ के लिए जो लफ्ज दरकार है वो इसमें सिफ्त है, इश्क अंगेज, इसलिए वहाँ महज इस्म लगाना दुरुस्त नहीं है। इस तरह जाकर नायक इस मतन को सियाक व सबाक से बाहर बयान करता है। लेकिन ये कोई नबूत नहीं है, ये मर्द और उसकी बीवी के दरमियान ताल्लुक की आयत है। जहाँ इसमें सिफ्त होना चाहिए वहाँ ये लफ्ज लगाया जा रहा है, लेकिन उसके नजदीक सिर्फ इस्म होना चाहिए। वो इस इबारत को नबूत कहने की बार बार गलती कर रहा है, जबकि ये इबारत हजूर पाक की नबूत के बारे में नहीं है।